हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी कह सकते हैं कि आंसर की पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस का जो हुआ था उसका आंसर की आ चुका है। तो सभी दोस्त, कई दोस्तों ने तो मिला भी चुके होंगे और कई दोस्त अभी मिलाने की कोशिश कर रहे होंगे और कई दोस्तों को तो पता नहीं होगा कि आंसर की आया है कि रिजल्ट आया है। तो मैं बात करूँगा जो पॉलिटेक्निक का अभी हाल ही में आंसर की आया है। तो जो दोस्त मिलाए हैं और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कि हमने ये करके आया, हमारे जो कार्बन कॉपी में ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो ऑफिशियल कह सकते आंसर की है वो इसमें ये दिखाई दे रहा है, अगर उनको कोई भी कह सकते ऑब्जेक्शन करना होगा तो कैसे करना होगा, कितने फीस लग रहे, इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। मेरे पास एक दोस्त ने कह सकते हैं कि अपना रोल नंबर और बुकलेट नंबर भेजा था, तो मैं उसी के नंबर डाल के आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको खोलना है और कैसे अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है आपका सही लगे और जो बोर्ड का कह सकते जो संस्था के द्वारा जो दिया गया आंसर या पॉलिटेक्निक के द्वारा वो गलत लग रहा है तो आप कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे, मैं इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जैसा आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये आपका सरकारी रिजल्ट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपको देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है जी कैप एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक आपको कहीं पर नहीं लिखा रहेगा क्योंकि ये जी कैप के माध्यम से ही होता है। तो आप जी कैप के खोलिए, मैं यहाँ पर देखिए इनको खोल देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे खुल गया। इसके बाद सबसे नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड एंट्रेंस रिजल्ट लिंक एक्टिव टुडे। तो ये कह सकते हैं आंसर तो आज आपका कह सकते हैं आया नहीं है, आपका आंसर की रिजल्ट नहीं आया आज, ये आपका आंसर के आप इसको पहले सर्वर देखिए, सर्वर दो बने हुए, एक है और आपका दो है, तो सर्वर एक अभी नहीं चल रहा है तो मैं सर्वर दो को दोबारा खोलता हूँ। यहाँ पर देखिए सर्वर दो पर आएंगे और उसको खोलने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे आपको ऐसा स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, सबसे नीचे आना होगा, यहाँ पर लिखा होगा आंसर की एंड रिस्पांस चैलेंज फॉर यूपी JEE, यानी कि रिस्पांस का मतलब, रिस्पांस चैलेंज का मतलब क्या होगा, आपने सही करके आया, यहां पे इन्होंने गलत कर दिया तो आपको सिद्ध करना होगा नहीं मेरा सही आपका गलत है, इसीलिए यहां पे लिखा है कि रिस्पांस चैलेंज कहा जाता है। इसको आपको खोलना होगा, आप जैसे ही खोलेंगे यहां पे आपको एक रोल नंबर मांगा जाएगा और क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आप कुछ लोग नहीं पहचान पाएंगे तो उनका जो कार्बन कॉपी होगा कह सकते जो कार्बन कॉपी लेके आए होंगे वहां पर एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही डाल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना होगा, देखिए रुके रहिए एक मिनट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि रोल नंबर देखिए जो किसी भी दोस्त का है उसका मतलब नहीं, मजाक मत उड़ाइएगा कि आपका त्यौहार तो इतना नंबर है हमारे इतना है, इसका मतलब नहीं है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका देखिए जो रोल नंबर होगा आपका कितने अंकों का है, 3 3 4 7, 7 अंकों का रोल नंबर, साथ ही का सबका होगा है, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होता है वो 6 अंकों का, उसके बाद वहाँ पर सबमिट करेंगे आपका खुल जाएगा। तो इस तरह से जब आपके स्क्रीन पर आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा यार मैंने ये करके आया था और मेरा कौन सा संस्था के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए आपको नाम दिखाई देगा, नाम सबसे पहले अपना मिलाइएगा कि मेरा नाम राम है, श्याम है, जो भी कह सकते हैं जिसका नाम होगा। इसके बाद यहाँ पे टोटल स्कोर दिया रहेगा, स्कोर का मतलब आपने कितना अंक पाया है कह सकते हैं। अभी तो ये बात पे बात होगा कि गवर्नमेंट कब मिलेगा, प्राइवेट कब मिलेगा, सारा चीज़ के बारे में वहाँ पर नहीं होगा, जब रिजल्ट एकदम आएगा, क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट आपका रिजल्ट नहीं है। मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये जो आंसर की है ये आपको कह सकते हैं अनुमान लगाया जा रहा है कि आप इतना पाते हैं, अगर आपका 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको आप सही कराते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा यानी कि जो नंबर होगा आपका बढ़ के आएगा, तो एकदम ये एक्यूरेट नहीं है कह सकते हैं। और जो लोग आप ऑब्जेक्शन नहीं कराएंगे वो वही मान लिया जाता है। तो इनका स्कोर 279, यहाँ पे सबसे पहले आप स्कोर देखिएगा, इसके बाद यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए जो ब्लैक में जब लिखा हुआ है 1 2 3 ये सब आपके क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। इसके बाद कैंडिडेट रिस्पॉन्स, कैंडिडेट रिस्पॉन्स यानी कि आपने जो पेपर में कौन से क्वेश्चन पर कौन सा ऑप्शन करके आया वो दिखाई दे रहा, और नीचे दिया हुआ की यानी कि जो बोर्ड के द्वारा पॉलिटेक्निक के माध्यम से जो आंसर दिया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन जो है इन दोस्तों ने कह सकते जिसका ये खुला हुआ उन्होंने पहले का बी लगाया है और जो बोर्ड ने भी लगाया है बी, तो इनका मतलब कि जब दोनों सेम कर जाएगा तो जान लिया आपका आंसर सही है, यानी आपका एक क्वेश्चन सही होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने जो कैंडिडेट है कैसे उन्होंने टच ही नहीं किया, यानी कि उसको कुछ लगाया नहीं, इसने तो सही लगाया ना, ए लगाया ना बी लगाया ना कुछ नहीं लगा, लेकिन जो संस्था का है वो सी, इसका मतलब हो गया कि जो कैंडिडेट है उन्होंने दूसरा क्वेश्चन नहीं टच किया और अगर सी होता तो यहाँ पर सही हो जाता, इसका मतलब होगा कि इनको न तो नंबर मिलेगा न तो इनके में से सही में से कटेगा, तो इनको मतलब ये गलत हो, इस तरह से हो गया समझ से। इसका तीसरा इनका सही है, इस तरह से आप पूरा आप मिला लीजिए कि मेरा कौन सा सही है कौन सा नहीं है, अगर ऐसा कुछ लगता है यार नहीं इनका मतलब हमारा तो चेंज हो गया, हमने ए मार के आया था बी दिखाई दे रहा, आप वहां पे अब ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में हम आ रहे हैं। देखिए
तो इस तरह से आप सब क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि अभ्यर्थी को OMR सीट की कार्बन कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना होगा। जो आपको OMR सीट इसीलिए दिया जाता है कि जब आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे, जैसे मान लीजिए किसी को लग रहा है यार हमारा बताइए, मतलब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ 73 नंबर, समझिए मैं 73 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे यानी इन्होंने ए रखा, लेकिन आपको लग रहा है यार कि मेरा बी ही सही है कह सकते हैं, तो क्या करना होगा कि आपके पास जो कार्बन कॉपी आपको मिला है कैसे एग्जाम के बाद, उसका वहाँ पे यानी स्कैनर होता है ना दुकान पे, जो आपके फार्म भरा जाता है या जो फोटो कॉपी किया जाता है दुकान पे, वहाँ पे स्कैनर होता है, वहाँ पे जाके स्कैन करना होगा कि मेरा 73 नंबर का होगा गलत है। उसके बाद आपको देखिए कैसे करना होगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। रिस्पांस चैलेंज हेतु आपको इलाहाबाद बैंक की किसी भी शाखा में बैंक जमा पर्ची के माध्यम से 100 रुपये जमा करना होगा। खाते का विवरण निम्नमत होगा, क्या क्या किसके नाम से भेजना रिस्पांस के लिए होता है, आप उस पर किसके नाम से ये बनवाएंगे, एक तरह से DD बनवाएंगे सीधे सीधे कह सकते हैं, या उसी के माध्यम से भिजवा दीजिए, आज से सारा काम हो ही गया कह सकते हैं। खाता धारक का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इनके नाम से आपको बनवाना होगा, DD कह सकते हैं। IFC कोड आपको दिखे दिया है, इलाहाबाद का ही बनवाना है, किसी और बैंक का PNB का मत बनवा दीजिएगा या SBI का मत बनाए, खाता संख्या आपके इसी के नाम से बनवाना होगा, इसी में आपको भेज देंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। शाखा का नाम अमीनाबाद लखनऊ, क्योंकि आपका जो पॉलिटेक्निक का जो बोर्ड है आपका लखनऊ पे ही है। आपका चैलेंज सही पाए जाने की स्थिति में उक्त धनराशि आपको वापस कर दी जाएगी, यानी कि कहने मतलब अगर आपने जो कहा कि 73 नंबर का यही सही है, बोर्ड को लगता है हाँ यार ये सही है, हमारे द्वारा कुछ गलती हुई है, तब आपका जो पैसा आपने दिया वो पैसा वापस हो जाएगा। चैलेंज करने हेतु बैंक द्वारा दिए गए ट्रांजेक्शन नंबर को अगली स्क्रीन में निर्धारित स्थान पर भरें तथा सबमिट करें, तभी आपको चैलेंज मान्य होगा। जैसे मान लीजिए जब आपको होता ना कि बैंक में जो कुछ जमा करने जाते हैं, पैसा ही जमा करने जाते हैं, तो एक रसीद मिलता है, वो रसीद पर एक नंबर होता है, वही आपको ले आके इसमें जमा करना होगा। इसके बाद ये थी हमारी जानकारी की टोटल की, कैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। डरिए मत, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको पैसा जाएगा तो सही जाएगा, लेकिन अगर आपके ऐसे 2-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, तो आप ट्राई जरूर करिए। लेकिन हाँ, अगर लगेगा तभी, ये नहीं कि दूसरा बंदा करा रहा है तो हम भी आज करा लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिस क्वेश्चन पर डाउट हो उसको पहले देख लीजिए कि मैंने किया था कि नहीं किया था, ये नहीं कि जो नहीं किए, देखिए जो आप किए रहेंगे उसी पर आप ऑब्जेक्शन कराइए, नहीं कि मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ के आया पेपर में उसी, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आपने किया अगर उसमें से कोई भी गलती लग रहा है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन करा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से KLD क्लासेस को आगे से आगे बढ़ाते रहिए, इसी तरह से KLD क्लास में बने रहिए। KLD क्लास में बने रहेंगे आप सभी दोस्तों को KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।